हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने TJET की परीक्षा की घोषणा कर दी है और सबको पता चल गया होगा कि इसकी परीक्षा डेट कब है और दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक और धमाका हुआ है कि आज दोस्तों यहाँ पर UPSL ने एक और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो दोस्तों कौन सा एडमिट कार्ड है, चलिए हम इसके ऑफिशियल पेज पर चलते हैं और वहीं दोस्तों देखते हैं कौन सा एडमिट कार्ड यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ UPSL.org पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप हमसे रिक्त पद या फिर परिणाम के, ठीक है दोस्तों, इसे मैंने क्लिक कर दिया है और ये ओपन हो रहा है। और दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, आपके पास 20 से 25 दिन का वक्त है। TJET की परीक्षा का डेट मैंने बता ही दिया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पिछले वाला वीडियो जाके देखिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आज दोस्तों 12/20 का 2022 AO विज्ञापन संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिए 12/20 AO के तहत लेखा परीक्षक के अन्य पदों के लिए साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार मतलब कि यहाँ पर इंटरव्यू लेटर जारी कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन संख्या 7/20 PO के तहत कार्मिक अधिकारी पद के साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें। दोस्तों एकदम मतलब इतना स्पीड से काम चल रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं, बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। दोस्तों आप इसके नीचे देखेंगे आप सिविल के तहत सहायक अभियंता प्रशिक्षित पद के साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें, ठीक है। तो लगातार दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल ही रहा है और आपकी जो है परीक्षा की डेट भी घोषित हो गई है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, जो आपकी परीक्षा की डेट है 3 नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और लगातार दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, बीच में एक दो दिन गैप है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। दोस्तों आपकी जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट कब किस किस डेट को है, जो प्रीवियस वीडियो तो फुल वॉच कीजिए, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जब तक दोस्तों कोई वैकेंसी या फिर कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आता, तब तक आप लोग जो है इंतज़ार कीजिए। जो नए छात्र हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, नई भर्ती के लिए मैंने वीडियो बताया है तो बताया है 100% वैकेंसी नई भर्ती आ रही है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 1000 के पदों के आसपास वैकेंसी आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब उस 1000 दोस्तों यहाँ पर TJET हो सकता है, TJET दोस्तों यहाँ पर लाइनमैन हो सकता है, लाइनमैन दोस्तों यहाँ पर क्लर्क हो सकता है, बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है, JEE का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट वैकेंसी आती है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।